एक और ऐसी ही भाजी है, अपने घर में हम चाहे तो उपयोग करें चाहे तो ना करें, इसमें मेरा आग्रह नहीं है, आपके ऑप्शन के लिए छोड़ता हूं। उस भाजी का नाम है कांदा। इनको चाहिए ही चाहिए, चाहिए कुछ को नहीं चाहिए। जो जैन धर्म को पालन करते हैं, चुस्त वैष्णव हैं, उनको ये कांदा नहीं चलता, लेकिन जो जैन धर्म का पालन नहीं करते हैं उनके लिए कांदा चलता। तो मेरे आपके इसलिए मैंने कहा आग्रह नहीं है, आप चाहे तो उपयोग करिए चाहे तो छोड़ दीजिए, इसके बारे में जानकारी जरूर दे देता। ये कांदा जो है पित्त को शांत करने वाली सबसे अच्छी औषधि है दुनिया में। अगर पित्त खराब है किसी का, पित्त खराब आप समझते हैं, गैस बनना, खट्टी खट्टी डकार आना, मुंह में पानी आना, सतत जड़ जड़ होना, खाने को पाचन नहीं होना, ये सब पित्त की तकलीफ है। वमन होना, उल्टी होना, वॉमिटिंग होना, ये सब पित्त की। तो पित्त को सबसे ज्यादा संतुलित करने की ताकत जिसमें है वो कांदे में। तो कांदा आप चाहें तो खाइए। आप बोलेंगे पित्त शांत करने की और भी दवाएं, हाँ बहुत सारी दवाएं हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन कांदा अभी बता रहा, कांदा पित्त को शांत करने की सबसे अच्छी औषधि है। पित्त की खराबी से शरीर जितने भी रोगों में फंसता है सब रोगों को ठीक करने की ताकत कांदा में। जैसे गर्मी है और गर्मी में सन स्ट्रोक हो गया, लू लग गई आपको, अब लू के बाद आपको बहुत कुछ तकलीफ आने वाली है, वो सभी रोगों में कांदा आपके लिए उपयोगी है, सभी रोगों में लू लगने के बाद। इसी तरह से आंखों का एक रोग होता है जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को गलाने की ताकत अगर दुनिया में किसी चीज में है तो वो कांदे के रस में। बिना ऑपरेशन अगर आपको आंखें ठीक रखनी है तो कांदे का रस सतत आंखों में डालिए। जिंदगी भर आप चाहते हैं कि आंखों को चश्मा ना चढ़े और कभी भी आंखें आपकी खराब ना हो तो कांदे का रस आप अपनी आंखों में डालिए। आप में से किसी को भी मोतियाबिंद हो गया हो और आप नहीं चाहते कि आपका ऑपरेशन हो या आपके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं है तो आप कांदे के रस से मोतियाबिंद को गला सकते हैं और आंखें ठीक कर सकते हैं। इसको कितने दिन लेना है, कैसे लेना है, इसका सूत्र मैं बता देता हूं, कागज पेन हो तो लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आएगा। एक चम्मच पांडरे कांदे का रस, देखिए कांदा एक ही काम का है जिसको पांडरा कांदा कहते हैं, ये लाल वाला किसी काम का नहीं। औषधीय गुण जो है वो सफेद प्याज में ही है, पांडरे कांदे में ही है, लाल वाले में कोई औषधीय गुण नहीं है, वो तो खाने के लिए आप खा सकते हैं, औषधीय गुण उसमें नहीं है। औषधीय गुण जो है वो पांडरे कांदे में ही है। तो पांडरे कांदे का एक चम्मच रस ले लीजिए, एक चम्मच इसमें नींबू का रस मिला दीजिए। एक नींबू आता है जिसको बेदाना नींबू कहते हैं, जिसमें ज्यादा बीज नहीं होते, वो बहुत अच्छा है। तो एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच पांडरे कांदे का रस, फिर इसमें आप मध मिला दीजिए, लगभग 3 से 4 चम्मच मध। और इसी में एक चम्मच गुलाब जल मिला दीजिए। ये चारों को मिलाकर एक बाटली में भर के रख लीजिए और खूब अच्छे से हिलाकर एक एक थेम आंख में डालिए। एक महीने लगातार डाल दिया तो मोतियाबिंद आपका कट के निकल जाएगा। गुलाब जल एक चम्मच, जितना आपका कांदे का रस उतना ही गुलाब जल, उतना ही नींबू का रस, लेकिन मध इसमें 3 से 4 फुट जाती, मैंने 3 से 4 चम्मच मध। अब ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ है इसको बाटली में भर के रखेंगे, 4-5 महीने ये खराब नहीं होता, इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको फ्रिज में रखना, खाली सीधे रूम टेम्परेचर पे रख के रात में सोते समय एक एक दो दो थेम आंख में डालते रहिए, 1-1.5 महीने के बाद आपका मोतियाबिंद खत्म कर देगा। और एक बीमारी है आंखों की जिसको ग्लूकोमा कहते हैं, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा माने काला पानी, आंखों में हमेशा काला काला दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं, उनकी भी ये सबसे अच्छी औषधि। और एक बीमारी है आंखों में जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, आंखों का ये जो रेटिनल पर्दा है ना ये खिंच जाता है आगे या पीछे,
उसमें भी ये सबसे अच्छा काम आता है।